सीसीए की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। बजट में होना चाहता भाई, जो ये फसल पर लोन मिले, ये जो है बिना ब्याज दो ही ना किसानों को, जिससे उन्हें लाभ मिले, वे अपना ले के काम भी कर ले। सरकारी आंकड़े अनुके हैं, अपने कर्मचारियों को 8% का साल महंगाई भत्ता दे, हमें क्यों देते? हम पाकिस्तान में रहे, हमारे पर महंगाई का असर नहीं पड़ता। शिक्षा का बजट घटा दिया, उच्च शिक्षा में तो 60% घटा दिया, UGC का बजट 60% घटा दिया। अगर किसान इतने फायदे में, सरकार अपने फार्मों पर खेती खुद क्यों नहीं करवाती, ठेके पर क्यों दे दिए? नेपाल में, श्रीलंका में तेल 60, 65, 58, यहाँ जो है यहाँ 90, 89, डीजल पेट्रोल 95, 97 चल रहा, 100 भी है देश में। सीसे में आपका स्वागत है। हम उत्तर प्रदेश के जिला शामली में हैं और जिला शामली का ये गांव एल्लम है। मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का कल बजट पेश हुआ है। हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने किसानों को लेकर क्या घोषणाएं की है, उस पर हम बातचीत करेंगे। यहाँ हमारे साथ गांव के कुछ किसान मौजूद है, जानने की कोशिश करेंगे कि इस बजट में किसानों को क्या राहत मिली है और क्या घोषणाएं किसानों के लिए हुई है। हमारे साथ यहाँ किसान लोग मौजूद है, बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि इस बजट को लेकर क्या लोगों की प्रतिक्रियाएँ हैं। जी नमस्कार जी, तब हाँ जी, बजट आ गया है, सरकार ने अपना इस साल का पहला बजट पेश किया है, आपको क्या लगता है किसानों के लिए कुछ घोषणाएं हुई इस बार? हाँ जी, झुनझुना दे दिया, बजाने के लिए बजाओ जाओ, है कुछ नहीं किसानों के लिए। किसान की जो समस्या है वह उसकी लागत और कीमत की है, इस तैयारी और किसान के आगे कोई समस्या ही नहीं। आप क्या उम्मीद कर रहे थे इस 2024 और 25 के बजट को लेकर, क्योंकि किसानों की बहुत सारी मांगें रही है, MSP की मांग रही है किसानों की, उस तरह की घोषणाएं आपको मिली इस बजट में? MSP भी झुंझुना है, MSP घोषित कर दिया, भाव नहीं बढ़ाने के, ये गन्ने MSP तो कोई किसान की समस्या हल थोड़ा ही होने वाली। हमारे यहाँ गन्ना है MSP की गारंटी पर तुलता है, लेकिन किसान फिर भी उसकी आमदनी घटती जा रही, क्योंकि सरकार उसके भाव नहीं बढ़ाती। कई कई साल में जो है बढ़ा दिया 5%, 2%, जबकि सरकारी आंकड़े अनुके हैं, अपने कर्मचारियों को 8% का साल महंगाई भत्ता दे, हमें क्यों देते? हम पाकिस्तान में रहे, हमारे पर महंगाई का असर नहीं पड़ता, हमें क्यों देते? या किसान सम्मान निधि है, जिस दिन तक किसान सम्मान निधि लागू हुई उस टाइम से 48% महंगाई होली, सरकारी कर्मचारी को 48% महंगाई भत्ता मिल गया, तो उसमें 48% हमारी 2000 रुपये की भी लागत जो है 48% कम रहेगा तो आधी होगी, जो 6000 रुपये थे 3000 के बराबर हो गए। जी नमस्कार जी, चलो आपसे भी थोड़ी सी। जी नमस्कार जी, नमस्कार जी, बजट की बात हो रही थी, कल वित्त मंत्री जो है कह रहे हैं कि किसानों के लिए हमने बड़ी संभावनाएं खोली है, कई सारी चीज़ें हैं जो किसान को आगे बढ़ाएगी, आपको लगता है बजट में ऐसा कुछ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं बजट में, ये तो बजट दिखावा ही हो गया किसान के लिए, क्या उनसे तो जब ही तो लाभ होगा उसकी, जो पैदा कर रहा है उसे वाजिब दाम मिले, सही दाम मिले से, और वे मिलते ही नहीं महंगाई के हिसाब से उसे, तो पिछड़ता जा रहा, तो बजट में ऐसा कुछ है ही नहीं, अगवा उसमें उसका जो है उसे कोई लाभ मिल जाएगा। कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग की तरफ कदम बढ़ाए जाएंगे, उस पर जोर दिया जाएगा, उससे किसान को फ़ायदा होगा? नहीं, उससे क्या फ़ायदा हो जाएगा, उससे जब किसान की पैदावार औसत घट जाएगी तो सब मिलेगा कि जब अभी उसका पूरा नहीं पट रहा, और उसमें जो है अगर खाद दवाई वगैरह ना डाली जाए तो उसकी पैदावार बहुत घट जाएगी, और उसमें किसान का पूर्ति कैसे होगी, उसकी लागत की पूर्ति नहीं हो, कहाँ से वो अपने बजट को वो कर सकेगा? किसान को तो कम से कम इन्हें बजट में होना चाहता भाई, जो ये फसल पर लोन मिले, ये जो है बिना ब्याज दो इन्हें किसानों को, जिससे उन्हें लाभ मिले, वे अपना ले कर काम भी कर ले, तो किसान की तो बिल्कुल स्थिति बहुत नाजुक हो रही, महंगाई के हिसाब से बढ़ता ही नहीं किसान का रेट कोई भी। नमस्कार जी, नमस्कार जी, वो जी क्या लगता है बजट आ गया है किसानों के लिए, आपको क्या उम्मीदें थी इस बार कुछ घोषणा होगी? मोदी सरकार का ये तीसरा कार्यकाल है, इस बार किसानों के लिए चीज़ें बन पाई इस बजट में या नहीं आपके साथ? हमें तो कोई उम्मीद थी नहीं किसान के लिए कुछ करेंगे, ये
ये पूंजीपतियों के लिए करेंगे, किसान के लिए तो उनके पास कुछ है ही नहीं। भाई किसान को ये 6,000 रुपये दे रहे, 6,000 रुपये किसान को चाहिए ही नहीं ना। मैं कर्ज चाहता, हमें तो हमारी उपज का लागत मूल्य मिल जा। भाई स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट जो है उस पर C+2 है, उससे भी लागू करने के बाद भी किसान को कुछ नहीं मिलना, क्योंकि लागत मूल्य इतना बढ़ चुका, अब उसका आर पार ही नहीं। भुगतान की भी समस्या है। हाँ, भुगतान की भी समय, भुगतान भी नहीं मिल रहा। ये कहें हमने भुगतान कर दिया, मेरठ में कहे था प्रधानमंत्री, अब जो है 14 दिन में भुगतान मिल जाएगा किसान को, तो किसानों को भुगतान 6-6 महीने में नहीं मिल रहा, सल्तनत भ्रमण नहीं मिल रहा। यूपी में कितनी फैक्ट्रियाँ हैं जिनका पिछले साल का भुगतान नहीं आया, हम लोग तो कहाँ मिल रहा। किसानों कुछ देने वाले है ही नहीं है बिल्कुल भी, किसानों कुछ देना नहीं, सिर्फ झूठ बोलना, जुमलेबाजी बतावें, जो वादे करें सरकार चुनाव से पहले उसे फिर ये जुमला बता दें। बजट में कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा, खेती को डिजिटल किया जाएगा किसी ना किसी तरह, उस इन चीज़ों का या इन घोषणाओं का किसान को लाभ पहुँचेगा? केना लाभ नहीं, किसान धरती में उतर जाएगा। नेचुरल फार्मिंग कह रही है, मैं खुद की बता रहा हूँ, मैं जो है 3 साल तक जो है 1 बीघा गन्ना बो कर देखा था, उसमें नेचुरल फार्मिंग करके अब अपना घर के लिए मिठा बनवाने का अतर तो 18 से 20 क्विंटल गन्ने की पैदावार आई, 18 से 20 क्विंटल उसमें लागत तक नहीं निकली, लागत भी नहीं निकली किसान की। तो नेचुरल फार्मिंग से किसान तो बर्बाद हो जाएगा बिल्कुल, जमीन बेच के भाग जाने सारे, क्या मिल जाएगा नेचुरल फार्मिंग से किसान, कुछ नहीं मिलना। जब अभी किसान का पूरा नहीं पट रहा, पैदावार बढ़ाते जा रहे, पेस्टिसाइड डालते जा रहे, धरती भी खराब हो लग रही, ऐसे ऐसे गन्ने के बीज उन्होंने दे दिए जो बगैर जो है दवाई के होते ही नहीं, इसमें भी एक बहुत बड़ी साजिश है। बजट में कहा गया है कि 32 फसलों पर 109 किस्म लाएंगे, 109 तरह की किस्में लॉन्च करेंगे, नई नई वेराइटियाँ होगी इस तरह की, जिससे किसान को मदद मिलेगी। आपको लगता है कि ऐसी जो किस्में हैं या इस तरह के शोध है किसान के यहाँ कारगर सिद्ध हो रहे हैं? ये कुछ नहीं, डंकर प्रस्ताव वगैरह बहुराष्ट्रीय कंपनी समझौते हैं, इनके अंतर्राष्ट्रीय समझौते जो हैं, ये बीज ले आओगे 109, उसमें अभी तो भी आ रहे बीज, तो जैसा इन्होंने पहले उड़द का बीज लाए थे डंगर प्रस्ताव के तहत, हमने खुद बोया हो, जब पहली साल तो ठीक हो गया, अगली साल वो इसमें फल ही नहीं आया, खेत खाली रह गया। तो ये जो बीज कंपनियां देंगी, जो प्राइवेट कंपनियां बीज वे देंगी, शोध के संकर बीज देंगी, उसे किसान जो है बीज नहीं रख सकता अपना, हर साल उसे खरीदना ही पड़ेगा, तो जो है ये तो किसान को और तबाह कर देंगे, और लागत बढ़ जाएगी, लागत घनी बढ़ जाएगी। किसान जो है जी कहीं ना कहीं जो डीजल पेट्रोल है उसके साधन है, ट्रैक्टर है या कृषि यंत्र है, वे उससे जुड़े हुए हैं कहीं ना कहीं, तो आपको लगा बजट में कहीं इस तरह से पेट्रोल कम करने की या डीजल कम करने की बात कही? कुछ नहीं कहा, पूरी किसान ही किसान नहीं, पूरी जनता देश की डीजल पेट्रोल से जुड़ रही। अगर मान लें ये इतना महंगा तेल, इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा रखी, नेपाल में श्रीलंका में तेल 60-65-55-58, यहाँ जो है 90-89 डीजल, पेट्रोल 95-96-97 चल रहा, 100 भी है देश में। तो अगर ये उस पर एक्साइज ड्यूटी घटा देते, अगर किसान को भी अगर ये तेल जो है घटा के दे दें, वह उस पर छूट कर दे किसान पे, उसकी लागत घटेगी, कुछ फायदा पहुंचेगा। अगर पूरे देश में ही तेल घटा दें तो जो है माल भाड़ा घटेगा, तो जनता का माल भाड़ा घटने से कुछ महंगाई भी असर पड़ेगा, महंगाई कम होगी। तो ये तो महंगाई कम करना नहीं चाहते, ना किसान को देना चाहते। आप बात कर रहे थे कृषि में पशुपालन और दुग्ध उत्पादन की, उसका क्या स्ट्रक्चर है आज के दौर में, या किस तरह से उसकी प्रणाली है जो चल रही है, और इस बजट में भी क्या बढ़ावा दिया गया है ऐसे किसानों को, ऐसे पशुपालन उद्योग को, जैसे कह रहे भाई कुटीर उद्योग लघु उद्योग पे हमारा जोर रहेगा इस बार बजट में, लगता है इस बार ऐसा कुछ है? ऐसा कुछ नहीं है। दूध उत्पादन की सुन लो, अभी 4 दिन पहले ही जो है टीवी में खबर थी, अब 14
14,000 लाख टन दूध रहेगा देश में, और 67 लाख टन की खपत है। 14 लाख टन पैदा है और 67 लाख की खपत है। अभी जो बुलंदशहर में जो है, अभी दूध के टैंकर पकड़े गए नकली के, तो जो है अगर वे नकली दूध जो दिल्ली में जा रहा है या पूरे देश में फैल रहा, और ये कह रहे हैं डॉक्टर कह रहे हैं वैसे तो कैंसर होगा, किडनी फेल होंगी, हार्ट फेल होंगे, तो नकली दूध से तो जो है देश को मर लग रहे लोग, बीमारी फैल रही। तो अगर किसान को प्रोत्साहित करे, किसान को आज की स्थिति, अगर किसान का 100 रुपये लीटर से कम का दूध बिकेगा तो किसान को कुछ नहीं मिल रहा, कोई फायदा जानवर पालेगा है ही नहीं। जी नमस्कार जी मास्टर जी। जी नमस्कार जी। ताऊ जी बजट की बात कर रहे थे, कल वित्त मंत्री ने भी घोषणा की किसानों के मुद्दों को लेकर, कई चीज़ बताई। वो कह रहे हैं कि हम डिजिटल फार्मिंग पर भी जोर देंगे, और जो किसान है उसको कहीं ना कहीं डिजिटल तरीके से आज के दौर के हिसाब से उसको फ़ायदा देने की कोशिश करेंगे। वो क्या फ़ायदा मिलेगा उससे किसानों को? किसानों को कुछ फ़ायदा मिलने वाला नहीं है भाई। हम भी ठेके पेके की ज़मीन बोए, सब वो कुछ ज़्यादा कर रहे हैं, पर गुजर नहीं हो रही। 1976-77 में मुराद जी की सरकार थी, गंडा था 3-3.5 रुपये क्विंटल, आज है 350-370 रुपये क्विंटल। उस 350 रुपये क्विंटल में तो कुछ मिल जाता, 10-20 रुपये अपनी जेब में पाए भी जाते, ये भी यहाँ 10 रुपये जेब में नहीं पाते। एक क्रेडिट कार्ड बनवा के 2 जागतों की फीस जमा करिए भैया, एक बी ए में एक एम ए में, इब कहाँ से लावे पैसे? जो उनसे 6,000 रुपया में, 6,000 रुपये में तो किराए का भी पूरा नहीं पड़ता, इंता बस में बैठ कर चल दो, 60 रुपये लगे शाम लेके आने जाने के, अरे एक जाकत का 500 रुपये बिना काम नहीं चलता रोज, अगर पढ़ान भेज जाए। महंगाई की मार है किसान, महंगाई की मार है, ख़त्म हो गए बिल्कुल। बदान तो लग रही खाते कर देख लो, जोन से किसान ने भी कर रखे ना खाते कर देख लो, और ठेके की जमीन वो है 5-5-4 बीघे खूड है, यहाँ से खावांगे के, यहाँ तो खाने को भी नहीं बच रहा कुछ भी, काम करने की तो ऐसी तेजी। और फिर बच्चों को रोजगार नहीं मिलते, जी बच्चों को रोजगार नहीं मिलते वे क्या कर सके आगे, वे भी धक्के ही खावांगे, कहाँ से लड़कियों की शादी करें, एक का घर में लड़की जवान हो जाओ 20-20 साल भी लड़की की शादी नहीं होती, कहाँ से लाओगे पैसा बताओ जी। भी स्थिति अपनी अपना जीवन चलाने में ही सक्षम नहीं है तो उनके लिए पैसा कहाँ से लाओगे हम? जी नमस्कार जी मास्टर जी। किसान आंदोलन चल रहा है पिछले कई सालों से, चीज़ें MSP की मांग हो रही है, हर बार बजट में उम्मीद लगाई जावे कि भाई MSP तय की जाएगी या सरकार कुछ ऐसा स्ट्रक्चर खड़ा करेगी किसानों के लिए। आपको लगे इस बार भी बजट में कोई MSP या किसानों को और तरह से लाभ पहुँचाने की बात कही नहीं गई, आपको क्या लगा बजट कितना ठीक है? भाई देखो बजट था तो उम्मीद करें है, किसान भी वैसे तो सभी पूरे देशवासी जी हलवा बटागा तो हलवा तो त्यौहार पर बटे, वैसे ही बट जावा है हलवा, खुशी में बटे तो सभी इंतज़ार करें, लेकिन ये हलवा खुद ही खाया जाए, उस हलवे का जितना भी खर्चा आवे वो सब यहीं कटा लग रहा, पता चल गया ना जो बजट घटा दिया। अब जैसे किसान वाली बात करें, किसान का संबंध जो है खाली किसान खेती से ही नहीं है, उसके जैसे भाई ने बताया बालकों से भी है, शिक्षा पर बजट घटाया कि बढ़ाया अभी बताओ? शिक्षा का बजट घटा दिया, उच्च शिक्षा में तो 60% घटा दिया, UGC का बजट 60% घटा दिया, या सरमाएदारों की सरकार है तो इसका काम है उनका भला करना। पता चला होगा तुम्हें कि जितनी बहुराष्ट्रीय कंपनियां हैं उनका जो शुल्क था उनको शुल्क घटा दिया, ठीक है। एक दिन में 31 किसान आत्महत्या करे, हमारे गांव में आज ही एक किसान ने आत्महत्या करी, बिजली वालों ने वहाँ रेड डाली और वो वहाँ से उसके साथ गाड़ी गलोच करी, उसमें उसने आत्महत्या कर ली, मारपीट करी उन्होंने उसके साथ में और आत्महत्या कर ली। यह हालत इस देश की चल रही, तो खाली किसान का इससे ही संबंध नहीं है, अगर भाई बजट आवेगा और उसे कितना लाभ मिल रहा है वो पूरा उसे हम जो है दूरगामी देखेंगे भाई, उसका शिक्षा पे भी है, स्वास्थ्य पे भी है, स्वास्थ्य पे कुछ नहीं, कोई बढ़ोतरी स्वास्थ्य पे नहीं है, ठीक है। और ये बुनियादी चीज़ हो, जैसे कुछ चीज़ ऐसी थी जो आम आदमी से जुड़ी, खासकर रेल है, रेल आम आदमी से जुड़ी हुई है, रेल की तरफ को भागेंगे किराए की वजह से, भाई महंगा है, रेल पर कोई ध्यान नहीं, एक रुपया नहीं बढ़ाया, कहीं जिक्र ही नहीं करा रेल का। देखो अगर बजट में वे किसानों के लिए कुछ करेंगे तो किसान आगे बढ़ेगा, जब किसान आगे बढ़ेगा तो वो कुछ खुशहाली होगी, वे खुशहाली कहाँ चाह रहे,
किसानों को तो कंगाल करना चाह रहे, और किसान धरना क्यों दे रहे? अरे किसान अपनी जो है इज्जत बचाने के लिए, अपनी जमीन बचाने के लिए, अपना जमीर बचाने के लिए लड़ रहे, और वे नहीं चाहते कि किसान आगे बढ़े। आगे बढ़ेगा तो समृद्ध होगा, जैसे ही समृद्ध होगा हैं देश में खुशहाली आएगी, वे नहीं चाहते। तीसरी अर्थव्यवस्था कहाँ तक कर लेंगे बगैर किसान के? उस तरह की जैसे कह रहे थे कि भाई MSP की भी उसमें कोई बात नहीं की गई, कह रहे हैं कि नेचुरल फार्मिंग पर जोर दिया जाएगा या डिजिटल खेती के लिए जोर दिया जाएगा, उनसे कुछ फ़ायदा होगा किसानों को? फायदा तो हो जाएगा, जो करवावे तीसरे की डाल डिजिटल की डाल, जो मैलियान पड़ा आदमी है उसे डिजिटल का पता के खेती करने वाले को, उसे तो नहीं कुछ पता कंप्यूटर सम्प्यूटर का कुछ नहीं। वो तो पर्ची घर आ कर थी कि फोन पे आएगी, मिल में जाके देखो दूसरे कोई दिखाते फिर है भाई कुकर तू लगे कुकर होगा इसका डिजिटल का, उसका फायदा के जान पड़ा आदमी है, वो ही खेती डिजिटल खेती वो ही करेगा, पढ़े लिखे ही अनपढ़ के करेगा, अनपढ़ तो वे पहले वाले फार्मूले उनको तो, और वे समाप्त हो गए। तो आपको क्या लगे किसान जो है वो आज के दौर में फायदे में जा रहा है नुकसान में जा रहा है? बस जो टेक्निकल खेती आएगी या डिजिटल बतावे जिसे वो अगर उस पर चलेगा निकट गया उसे रास्ता मिल गया वो तो कमा जाएगा। जब एक आदमी को उन्होंने पता कि बस सहारनपुर से हमें बम्बई कुकर जाना कौन सी बस मिलेगी, और उस पर पूछने का उसका तरीका है नहीं कि भाई कौन सी प्लेटफॉर्म पता जाऊँ, तो वही खड़ा रहेगा। कदर किसान पिछड़ा है, देखो इसमें सारी सरकार है, कोई अपने को ना कहे कि भाई राहुल गांधी ने कहे कि नहीं हमने नहीं पिछड़े, कांग्रेस ने नहीं पिछड़े, सब किसान के लाती मार दिया हमें, कोई किसान के पक्ष में नहीं है, सब किसान को लूटना इब रही है। तो कहे हम जो है इसे तीसरी अर्थव्यवस्था कर देंगे, चौथी कर देंगे और ग्यारहवीं तक उस पर लिए, अरे जनता को लूट के बजट बढ़ा रहे, टैक्स बढ़ा रहे, जनता पता ही तो जा रहा है, सरकार कहीं तो बाहर तो आ रही है आमदनी, सरकार पता ही तो जो है वो बजट का उसका अर्थव्यवस्था का आकार जनता पर तक खुश के तो बढ़ा लग रहे अकबर, कहीं तो बाहर तो ये अंतरिक्ष समता आके पड़े लग रहे भाई डॉलर, बताओ सारा बाहर आम जनता पे पड़ रहा, किसान के लिए जगह नहीं बनी उस नहीं नहीं किसान के लिए तो कुछ है ही नहीं यहाँ, यहाँ तो सब पूंजीपतियों के लिए है। सोना चांदी कह रहे सस्ता हो जाएगा, किसान को के सोना चांदी चाह, सोना चांदी तो इन्हें चाह अडानी अंबानी हर को, और इन्हें जो बड़े बड़े उन्हें वे अपना भर लेंगे, हाँ हमारा बहुत है सोने में चांदी खरीदने का। किसान की आमदनी है 3 लाख, 18 रुपये पर गुजारा करने वाले 3 लाख का क्या फायदा, उसे ही सबसे ज्यादा बढ़ावा आयकर घटा दिया, आयकर इतना 1 लाख तक 2 लाख, 2 लाख तक 3 लाख से नीचे गया गया आयकर दायरे से बाहर, 3 लाख कहाँ है यहाँ तो 3,000 रुपये, तो 6,000 सालाना हो गए हैं, 6,000 पर आयकर लगा तो बढ़िया रहेगा, ये भी इन्हें पता चलेगा कहाँ 3 लाख, तो किसान का कहाँ तो जिक्र आ जाएगा, 3 लाख के दायरे में आवे कोई सा किसान, तो इनकी तो सोच ही बदल रही है, किसान तो उनके एजेंडे में ही नहीं है। उन्हें पता है आयकर जो है लगा तो देते हैं, पर उन्हें पता वास्तव में उन्हें पूरा ज्ञान है किसान की आमदनी है ही नहीं, ना उसकी इनकम है कोई, वो तो घाटे में और उल्टा देना पड़ जाएगा, जो मान लिया उसे सारी चीज कर लेंगे ना उसकी कीमत उनका हिसाब लगा लागत का, और सरकार को उल्टा देना पड़ेगा टैक्स की, तो बात दूसरी, यह हालत है। अगर किसान इतने फायदे में, सरकार अपने फार्मों पर खेती खुद क्यों नहीं करवाती, ठेके पे क्यों दे दिए, पहले सरकार अपने फार्मों पर खेती खुद करवाती, और एबजा जो है जो एक कर्मचारी की भी तनख्वाह काट ले एक फार्म, उन्हें पता बिल्कुल खेती में कुछ है नहीं, ये भी तो फार्म ठेके पे दिए, बजट में जो है बस वो एक तरह से खाना पूर्ति सी की जा रही है आपको, बस वो तो जुड़ जुड़ा दे दें खिलाऊ जो। हम लोग उत्तर प्रदेश के ज़िला शामली में थे और ये गांव एल्लम है जहां पर हमने किसानों से बातचीत की इस बार के बजट को लेकर। बजट में किसानों के मुद्दों को लेकर उस तरह से खास कुछ नहीं रखा गया, किसानों का यह कहना है, और कहीं ना कहीं किसान को कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है।
इस बजट में किसान की जो उम्मीदें थी सरकार उस उम्मीद पर खरा नहीं उतरी है। जुड़े रहे आप शीशे से, उत्तर प्रदेश साफ खबरें आती रहेगी। धन्यवाद।